मुख्यमंत्री के कर कदमों से स्वर्गीय मिशन चंद सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ये शानदार अवसर शाहजहांपुर के लिए, भारतीय संस्कृति के गौरव, हिंदुत्व के पूर्व सांसद स्वर्गीय विषम चंद्र सेठ की प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री के कर कमलों से संपन्न हुआ। अरे रुको यार भाई यार। भारतीय संस्कृति के गौरव, हिंदुत्व के पूर्व सांसद स्वर्गीय भूषण चंद सेठ जी की प्रतिमा का अनावरण और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि का ये अवसर उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यह अनावरण संपन्न हुआ। साथ में श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, जितिन प्रसाद जी और भूषण चंद सेठ जी के परिजन जापान वाले सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और यह शानदार अवसर है आज उनकी प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर संपन्न हो रहा है। ये शानदार समारोह कृपया अनावश्यक भी ना बनाए तो प्लीज आप स्थान ले रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। पंडित जी आप लोग आओ, ऐसा ना करिए। बस ठीक है जी सर। सुरेंद्र वाल्मीकि जी सफाई आयोग के अध्यक्ष हमारे बीच आ गए हैं, स्वागत है उनका। भारत माता की। और ये वैभव खन्ना, पंकज सक्सेना, विनायक पटेल हनुमत धाम की प्रतिपत्ति भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और साथ ही राम दरबार भेंट करेंगे दिव्यांग सिंघल, हिमांशु सक्सेना, अभिषेक यादव, अभय सिंह, ऋषभ सक्सेना और यश सक्सेना। माननीय योगी जी आग्रह है कि वो आपको संबोधित करेंगे। देखिए पूर्व अध्यक्ष हमारे यहाँ श्री बलवीर सिंह, श्री धीरेन्द्र यादव, श्री बाबू राम, श्री सत्यवाल सिंह भदौरिया जी, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों,
आज शाहजहांपुर के लिए अत्यंत ही रोमांचकारी क्षण है। जब प्रखर राष्ट्रभक्त हिंदुत्व के पुरोधा के रूप में जिन्होंने आजीवन अपने सुव्रत का पालन किया, सदैव किशन चंद सेठ जी की इस प्रतिमा का अभी यहां पर स्थापना की कार्रवाई संपन्न हुई है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त, चिकित्सा शिक्षा और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी तकनीकी शिक्षा के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी चौधरी उदय भान जी, माननीय विधायक श्री मानवेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री चेतराम जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री माहेश्वरी जी, स्वर्गीय विशन चंद सेठ जी के सुपुत्र श्री निर्भय चंद सेठ जी, श्री प्रताप चंद सेठ जी, परिवार के सभी सदस्यगण, शुभचिंतकगण, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मेरे लिए आज का दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण और भावनात्मक दिन है। जब मैं भारत माता के इस महान सपूत, प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ और देश के अंदर राष्ट्रवादी राजनीति के लिए समर्पित रहे सरदेव विशनचंद सेठ जी की इस प्रतिमा अनावरण के इस कार्यक्रम में आज यहां पर उपस्थित हूं, ये केवल एक महापुरुष की प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि मैं अपनी उस पीढ़ी के साथ जुड़ रहा हूं जिस पीढ़ी की प्रेरणा से आज मैं सार्वजनिक जीवन में जनता की सेवा कर पा रहा हूं। सरदेव विशन चंद सेठ जी उस गोरक्ष पीठ से अनन्य भक्तिभाव के साथ जुड़े हुए थे। 1938 में हिंदू महासभा, उन्होंने मेरे पूज्य दादा गुरु ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के सानिध्य में ही ज्वाइन किया था और आजीवन उन्होंने इस व्रत का पालन किया। आजीवन वह अपने इस अभियान में बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके, न केवल व्यवसाय की श्रेष्ठता बल्कि मूल्यों, आदर्शों और भारत कैसे बना रहेगा, इन जीवन मूल्यों के लिए उन्होंने जीवन जिया और उसी का परिणाम था मूल्यों और सिद्धांतों के साथ समझौता किए बगैर 1948 में जब वह हिंदू महासभा के प्रदेश के महामंत्री थे, राम जन्मभूमि में 1949 में रामलला के प्रकटीकरण का शुभ दिन भी, जहां पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, उसके आदि शिल्पी के रूप में अगर आप किसी को मान सकते हैं तो उसमें स्वर्गीय विशन चंद सेठ जी भी एक थे।
और उन्होंने जीवन पर्यंत अपने इस व्रत को निभाया। सांझापुर और एटा से लोकसभा के माननीय सांसद के रूप में चुने जाने के बाद भी जनसेवा, राष्ट्रभक्ति, हिंदुत्वनिष्ठ राष्ट्रवादी राजनीति उनके जीवन का हिस्सा रहा। और अंत में 1971 से लेकर 1996 तक 25 वर्षों तक आध्यात्मिक साधना में लीन होकर के लोक कल्याण के लिए उन्होंने अपने इस पूरे अभियान को समर्पित किया। मुझे प्रसन्नता है कि स्वर्गीय विशनचंद सेठ जी की वर्तमान पीढ़ी, उनके पुत्र श्री निर्भयचंद सेठ जी, श्री प्रतापचंद सेठ जी, उनके परिवार के सभी सदस्यगण, शुभचिंतकगण, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, जिस राष्ट्रवादी विचारधारा और जिन मूल्यों और जिन आदर्शों के लिए स्वर्गीय सेठ जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, उन्हीं मूल्यों और आदर्शों का पालन करते हुए न केवल व्यवसाय की शुद्धता और श्रेष्ठता को ध्यान में रख करके, बल्कि उन्होंने उसी राष्ट्रवादी विचारधारा को अंगीकार करते हुए आगे भी उन्होंने उसी मार्ग को पालन करते हुए कार्य किया। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर और सांझापुर के इसका साक्षी है। यहां पर अनेक आश्रमों के गठन, मंदिरों के सुंदरीकरण, उन स्थानों के पुनरुद्धार और उसे एक नया स्वरूप प्रदान करने में सेठ परिवार ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसकी प्रेरणा सदैव विशनचंद सेठ जी की थी। आज भी हमारे बीच में नहीं, सांझापुर की धरती तो वैसे भी राष्ट्रवादी प्रेरणा की धरती रही है। सांझापुर की जब हम बात करते हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, असफाउल्ला खां और भारत के अंदर परमवीर चक्र विजेता के रूप में राष्ट्र नायक की श्रेणी में खड़े होने वाले जगन्नाथ सिंह, इसी धरती की देन है। और इस धरती में विशनचंद सेठ जी ने अपनी कर्म साधना के माध्यम से वह सब कुछ दिया जो आज भी हम सबको निरंतर प्रेरणा और नया प्रकाश प्रदान कर रही है। आज उनकी मूर्ति अनावरण के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक साथ यहां पर इस महापुरुष को तो श्रद्धांजलि अर्पित कर ही रहा हूं, इसी बहाने अपने पूज्य गुरु परंपरा को भी आदर कर पा रहा हूं, उनका स्मरण कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव जब आकर यहां इस रास्ते से चलते थे तो वह निर्भयचंद सेठ जी का नाम जापान बाबू भी है, और वह इस बात को वहां बोलते थे, देखो तो जापान बाबू को फोन कर देना, मैं उधर से जा रहा हूं। यानी क्या भाव था, एक आत्मीयता आज के भौतिकवादी युग में बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन आज मैं इस बात के लिए अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूं कि इस महापुरुष के इस मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में सेठ परिवार ने और खन्ना जी ने मुझे यहां पर ढा करके स्वयं मुझे धन्य धन्य किया है। मैं इसके लिए इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सदैव विशनचंद सेठ जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को राष्ट्रवाद के लिए, मूल्य और आदर्शों के लिए उनके प्रेरणा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके प्रति मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। योगी आदित्यनाथ। अरे 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 हमको जाना है, साथ में आया भाई।